देखिए वैसे 20 दिन से आज वहाँ पे जो 370-35A को हटाने के बाद में क्या हो रहा है देश को पता ही नहीं है। ऐसे मौके पर हमेशा जब कभी पहले भी कोई ऐसे मौके आए जब कोई देश पे संकट भी आया है या बांग्लादेश की आज़ादी का युद्ध चल रहा था तो जो सत्ता में जो लोग होते हैं उसमें इंदिरा जी थी मान लीजिए तो कई विपक्ष के नेताओं को भेजा था दुनिया भर के मुल्कों के अंदर बताने के लिए कि भाई हमारे वहाँ पर शांति है सद्भाव है और पाकिस्तान की जो हरकतें हैं बांग्लादेश के अंदर पूरी पाकिस्तान के रूप में था वो तो उसके लिए वहाँ पर जिस रूप में शरणार्थी हमारे मुल्क में आ रहे हैं और हमारे मुल्क में 1 करोड़ लोग शरणार्थी आ चुके हैं तो ये कायदा होता बताने का कि दुनिया के मुल्क भी ये भावना रखे कि हम जो कार्रवाई करें वो सही कार्रवाई है। विपक्षी पार्टियों के दलों के नेताओं को इस सरकार खुद को चाहिए था वो खुद डेलीगेशन बना के भेजती और ये कहती दावे हम जो कर रहे हैं मीडिया के माध्यम से उन दावों में सच्चाई है और आप जाके देखिएगा और विपक्षी पार्टी जाके देखेगी तो वो आके जब वापस कहेंगी पूरे देश को बताएंगी तो उससे देशवासियों का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा ये कायदा होता है। 20 दिन के लगभग हो गए हैं और जिस रूप में वहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है लोग घरों में बंद है या मतलब टेलीफोन और मोबाइल और इंटरनेट की सेवाएं बंद है किसी भी एक भी सिटीजन को इस प्रकार से बंद करने का अधिकार सरकार को नहीं होता ये हमारे संविधान के अंदर मूलभूत अधिकारों के अंदर है। पर जिस प्रकार आपने माहौल बनाया है जैसे कि देशभक्त लोग यही है हम तो देशभक्त है ही नहीं और आम जनता को भी गुमराह करने में ये लोग कामयाब हो गए हैं वो तो धीरे धीरे जनता समझेगी कि सच्चाई क्या है तब जाकर के अपना आप ये लोग एक्सपोज होंगे। सच्चाई हमेशा विजय सच्चाई की होती है।